गुड मॉर्निंग 10th क्लास, मैं हूँ मनोरमा भारद्वाज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसको हम हिडन ट्रायल मेथड से बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको ऐसे इक्वेशंस देंगे जिसमें आपको बैलेंस करने के लिए जिसमें आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। वर्ड प्रॉब्लम टाइप हम आपको नहीं देंगे पहले। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मिल रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है हम लोगों का वो LHS और RHS, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो भी आपके पास एलिमेंट्स के आइटम्स हैं उनकी काउंटिंग करना होता है। तो हम सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर LHS या फिर रिएक्टेंट्स, इसी तरीके से RHS या फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर जो भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो देखिए LHS साइड मैग्नीशियम कितना है हमारे पास, ओनली 1, और LHS साइड हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, जबकि RHS साइड मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियोज़ में कि अगर LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं अगर वो सेम नंबर में हैं तो वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना होता है उस एलिमेंट के लिए जिसका मल्टीप्लाई करके हम उसको बैलेंस कर पाएँ। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर LHS साइड में ऑक्सीजन जो है वो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे RHS साइड में भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई हम लोग आगे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैलेंसी वाला जो रूल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। आप अलग से निकाल के देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा MgO आएगा, कभी भी MgO2 फॉर्मूला नहीं आ सकता। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 कह लें, या फिर चलिए अभी सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ही लें, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 इन RHS साइड, RHS साइड में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम Mg में कुछ नहीं कर रहे हैं, O2, और हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ। हम दोबारा से टेबल बनाएंगे LHS और RHS की, वापस से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखेंगे। मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम हमारे पास 2 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन इस बार मैग्नीशियम जो है वो बैलेंस नहीं है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि मैग्नीशियम जो है वो बैलेंस हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे LHS साइड मैग्नीशियम में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये भी 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 2 कहें, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 इन LHS और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग मैग्नीशियम। आप लोग चाहें तो इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए दोबारा से टेबल बना के देखते हैं कि क्या ये चीज़ हो रही है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा LHS, हमने लिखा RHS। मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख देती हूँ जिससे कि बार बार आपको पलटने में दिक्कत ना हो। 2Mg प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2MgO। साथ में बेटा कॉपी पेन लेके बैठें, साथ के साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो वहीं पर पूछ लीजिए। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो दैट मीन्स हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 कह दें तो हम कहेंगे इक्वेशन 3 इज अ बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ पर हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। आपसे कहा गया है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में है आपके पास में, सिंबल्स के फॉर्म में नहीं दे रखा आपको। बेरियम क्लोराइड ये आपका ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है कि रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट से करा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ मैं आपको 9th क्लास में बता चुकी हूँ कि हम एरो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ है। अब मैं पहले ही सॉल्यूशन जब करूँगी तो या तो आपको फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए, और फॉर्मुलेज अगर लर्न भी हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि हाँ भाई आप लोग जो है फॉर्मुलेज टीचर को निकाल करके दिखाएं। तो पहले आप निकालिए बेरियम क्लोराइड। बेरियम मीन्स Ba, क्लोराइड मीन्स Cl। बेरियम का मैं आपको बता चुकी हूँ वैलेंसी 2, 1 BaCl 2। अब हम लोग निकालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगी एल्यूमिनियम सल्फेट 3, 2 क्रॉस कीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट अगर मैं निकालूँ, बेरियम सल्फेट 2, 2, 1, 1 क्रॉस करेंगे हम इसका, तो आपके पास आंसर आ जाएगा BaSO4। इसी तरीके से हमें एक और चीज़ क्या चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो निकालिए एल्यूमिनियम क्लोराइड 3, 1 AlCl3। आप लोग इसे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे, यहाँ पर बेरियम सल्फेट, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन है कि जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो आपको बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो मिलता है। तो हम लोग टेबल बनाएंगे LHS और RHS। आपके पास बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा मैं SO4 को एक ही कंपोनेंट की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो बेरियम यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखेंगे 1, Cl यहाँ पर 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है और SO4 यहाँ पर 1 है। तो देखें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन को सॉल्व करना चाहूँगी कि क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा। तो कीजिए, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगी, ठीक है, और लैंग्वेज लिखना आपके लिए कंपलसरी भी नहीं है। देखेंगे हमारे पास इक्वेशन थी BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस कन्वर्ट हो रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। मैंने आपसे कहा एल्यूमिनियम को बैलेंस कीजिए इधर 2 का मल्टीप्लाई करके, और इधर सॉरी क्लोरीन को बैलेंस करना है आपको इधर 2 का मल्टीप्लाई करके, इधर 3 का मल्टीप्लाई करके। टेबल बनाएं LHS RHS, और इसके बाद में देखें फटाफट से, हमने BaCl Al और SO4 लिया था। Ba आपके पास 3 है, Cl 6 है, Al 2 है, SO4 हमारे पास 3 है। देखें Ba1 6, एल्यूमिनियम 2 है, SO4 आपके पास 1 है। तो आपके पास Cl तो जो है वो बैलेंस हो गया है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि बेरिलियम जो है इधर 3 है, इधर 1 है, तो हमें क्या करना चाहिए, इधर 3 का मल्टीप्लाई। तो देखते हैं हम लोगों को क्या क्या करना है। 3 BaCl2 प्लस 2 सॉरी Al2SO4 का होल थ्राइस BaSO4 प्लस 2 AlCl3। तो हमने आपको क्या कहा कि इधर आपको इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। टेबल बना करके देखिए LHS RHS, आपके पास होगा BaCl AlSO4। Ba आपके पास है 3, एल्यूमिनियम 6 है, सॉरी
क्लोरीन जो है 6 है, एल्यूमिनियम आपके पास 2 है, SO4 आपके पास 3 है, इसी तरीके से Be आपके पास 3 है, जो क्लोरीन है वो 6 है, एल्यूमिनियम आपके पास 2 है और SO4 आपके पास 3 है। तो दैट मीन्स ये कि ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको आपके पास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। एक बेटा आपको वर्ड प्रॉब्लम भी करा देते हैं, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में जो है इक्वेशन जो है वो दी गई होगी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस अमोनिया इज ऑब्टेन्ड, आपको इसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपको दिया गया है अमोनिया, मैं डायरेक्टली लिखूंगी N2 प्लस H2 कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास NH3 में, आप निकालिए LHS नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 और 2, जबकि इधर 1 और 3। सबसे पहले आप कॉम्प्लिकेटेड से शुरुआत कीजिए कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड ये वाली चीज़ है क्योंकि इधर 2 है इधर 3 है, तो दैट मीन्स आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कीजिए N2 प्लस H2 कन्वर्ट होगा NH3 में, तो आपने क्या किया है इस तरफ आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और इस तरफ आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। कीजिए LHS नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो आपकी NCERT में जितनी भी बैलेंसिंग की क्वेश्चंस जितने भी हैं वो उनको सॉल्व कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।